द बार्ज पीपल मूवी शुरू होती है और हमें एक कैनाल को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि पिछले 10 सालों में यहाँ से 150 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला है कि आखिर वो लोग कहाँ गए। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उसी नदी के पास जॉगिंग कर रहा होता है, तभी उसे अपने सामने एक जख्मी आदमी लेटा हुआ मिलता है। फिर जब वो उसके पास जाता है तो तभी वो आदमी उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, पर तभी कोई उस पर अटैक कर देता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम कैट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी जगह पर वीकेंड मनाने आई होती है। वो दोनों ही इस जगह पर आकर काफी खुश होते हैं। तभी कैट की बहन सोफी और उसका बॉयफ्रेंड बैन भी वहाँ पर आते हैं और वो भी उनके साथ उस वीकेंड पर जाने वाले थे। इसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ वहाँ पर वॉक कर रहा था, तभी उसके डॉग को वहाँ खून से भीगा हुआ एक जूता मिलता है। ये देखकर वो डर जाता है और उस जूते को वहीं पानी में फेंक देता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। इधर इन तीनों ने एक बार्ज बुक किया होता है ताकि उससे ये उस नदी की सैर कर पाए। तभी उस बार्ज का ओनर उनसे कहता है कि तुम इस बार्ज को काफी संभाल के चलाना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बार्ज को कुछ नुकसान पहुंचे। साथ ही वो कहता है कि तुम इस बार्ज को ज्यादा दूर तक मत ले जाना क्योंकि आगे नदी में बहुत खतरा हो सकता है। ये सुनकर ये सभी काफी हैरान होते हैं, जिसके बाद ये सभी अपने सफर पर निकलते हैं। यहाँ बैन एक बिजनेसमैन होता है, इसलिए वो हमेशा अपने फोन पर ही लगा रहता था, पर अब नदी में आते ही उसके फोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, इसलिए वो परेशान हो जाता है। ये देखकर कैट सोफी से पूछती है कि क्या वो हमेशा फोन में ही बिजी रहता है। इस पर सोफी कहती है कि वो उसका काम है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद कैट ऊपर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा बैन के बारे में क्या ख्याल है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि बैन को ह्यूमन इंटरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए शायद वो हमेशा अपने फोन में ही बिजी रहता है। इसके बाद कैट का बॉयफ्रेंड उसे बार्ज चलाना सिखाता है, जिसे देखकर कैट भी काफी खुश होती है। इधर सोफी अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें इस ट्रिप में कैसा लग रहा है। इस पर वो कहता है कि यहाँ पर मुझे मजा नहीं आ रहा क्योंकि मैं तो चाहता था कि हम दोनों ही इस ट्रिप पर आएं। इस पर सोफी कहती है कि उसकी मदर की मौत के बाद वो और कैट काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, इसलिए ये ट्रिप बहुत जरूरी थी। इधर कैट के बॉयफ्रेंड को बहुत तेज प्रेशर आता है, इसलिए वो बाथरूम जाना चाहता है, पर उसके अंदर बैन ऑलरेडी था, इसलिए वो उसे 5 मिनट में आने को कहता है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड बार्ज रोककर उस जंगल में जाता है। फिर वो हल्का होने जाता है, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आती है, मानो कि उसे कोई देख रहा हो। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वापस बार्ज में जाने के लिए भागता है। इधर सोफी कैट से पूछती है कि बैन तुम्हें कैसा लगा। इस पर कैट कहती है कि बैन बहुत अच्छा है और अगर उनकी मॉम जिंदा होती तो उन्हें भी बैन काफी पसंद आता। ये सुनकर सोफी बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी काफी अच्छा है। इसके बाद जब ये लोग वहाँ पर फिशिंग कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर एक एग्जामिनर आता है जो कि नदी को एग्जामिन करता था। वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी मछली नहीं मिलेगी क्योंकि इस पानी में कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि जीव जंतुओं को मार देते हैं और अगर कोई इंसान इस पानी में जाता है तो उसकी बॉडी काफी डैमेज हो जाती है। तभी कैट के बॉयफ्रेंड के फंदे में कुछ फंस जाता है। फिर जब वो उसे बाहर निकालता है तो देखता है कि वो एक जूता है और उस पर खून लगा हुआ है। ये देखकर ये सभी डर जाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाने पर एक दरवाजा आता है, फिर कैट का बॉयफ्रेंड बैन को उस दरवाजे को खोलने के लिए भेजता है। इसके बाद जब ये आगे बढ़ते हैं तो तभी कैट का बॉयफ्रेंड कैट से कहता है कि मैं अब थक गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, तो जाओ बैन को बुलाकर लाओ ताकि वो ड्राइविंग करे। इसके बाद कैट बैन के पास जाकर कहती है कि क्या तुम ड्राइविंग करोगे। इस पर वो उसे साफ मना कर देता है, पर जब सोफी उसे मनाती है तब वो मान जाता है और ऊपर जाकर ड्राइविंग करता है। इधर वो एग्जामिनर जब घर जा रहा होता है तो तभी कोई उसका पीछा करता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, तभी कोई उस पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इधर बैन को वो बार्ज चलाना नहीं आ रहा था, इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी बार्ज एक दूसरी बार्ज से जाकर टकरा जाती है। उस दूसरी बार्ज में एक कपल और एक छोटा लड़का होता है। वो बाहर निकलकर उनसे लड़ने लगते हैं और उन्हें गाली देते हैं। ये देखकर बैन उस लड़की को मंकी कहता है। ये सुनकर वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है। इधर उस एग्जामिनर को वो
म्यूटेंट एक बार्ज में लेकर आता है और उसे चाकू से स्टैब करके मार डालता है। इसके बाद रात होने पर ये लोग अपनी बार्ज रोकते हैं और पास ही के एक गांव में डिनर करने के लिए जाते हैं। तभी इन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका डॉग खो गया था। वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है, पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते क्योंकि वो उसे एक पागल समझ रहे थे। फिर जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो तभी उस बूढ़े आदमी पर एक म्यूटेंट हमला कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इधर ये लोग एक बार में पहुँचते हैं जहाँ की ओनर काफी अजीब होती है। फिर ये लोग उससे मीट ऑर्डर करते हैं। इस पर वो लेडी कहती है कि मीट खत्म हो गया है और अब बस वाइन ही बची है। ये सुनकर ये लोग वाइन ही ऑर्डर करते हैं और जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। तभी उसी बार में वो कपल भी आ जाते हैं जिनसे इनसे उस बार्ज में लड़ाई हुई थी। वो कपल जब उन्हें देखते हैं तो उन पर काफी गुस्सा होते हैं। वो उनसे लड़ने के लिए उनके पास जाते हैं। इस पर बैन उन्हें बहुत चिढ़ाता है। ये देखकर वो कपल उन्हें मारने वाले होते हैं, पर तभी वो लेडी आकर उन पर गन पॉइंट कर देती है और उनसे कहती है कि ये मेरा बार है और मैं यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, इसलिए तुम दोनों यहाँ से तुरंत निकल जाओ। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी वो आदमी इशारों में उन्हें मार डालने के लिए कहता है। इसके बाद वो लेडी उन्हें वहाँ की लोकल दारू देती है और कहती है कि ये यहाँ की स्पेशल है। फिर जब ये लोग उस वाइन को पीते हैं तो इन्हें काफी नशा हो जाता है क्योंकि वो काफी स्ट्रांग थी। इसके बाद जब ये वापस अपने बार्ज में जाते हैं तब वो उस वाइन को और भी पीते हैं। तभी उन्हें अपने बार्ज के बाहर से कुछ आवाज आती है जिसे सुनकर ये सभी काफी डर जाते हैं। फिर कैट का बॉयफ्रेंड वहाँ पर देखने के लिए जाता है, तभी उसे वहाँ पर क्रॉस का निशान दिखता है जिसे की खून से बनाया गया था। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और तभी वो कपल आकर उस पर अटैक कर देते हैं। फिर वो कपल जबरदस्ती उनके बार्ज में घुस जाते हैं और उन्हें मारने की धमकी देते हैं। उनके साथ वाला छोटा लड़का बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था, तभी उसे पानी में से कुछ आवाज आती है। फिर जैसे ही वो पानी की ओर टॉर्च जलाता है तो उसे वहाँ पर एक म्यूटेंट दिखता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है, पर तभी वो दूसरा म्यूटेंट वहाँ आकर उस पर अटैक कर देता है। इधर उन कपल ने इन लोगों को बांध दिया होता है ताकि ये यहाँ से भाग न सकें। फिर वो उनकी पास पड़ी हुई वाइन को भी पी लेते हैं जिससे अब उन्हें भी नशा हो जाता है। तभी वो छोटा लड़का जख्मी हालत में उस बार्ज के अंदर आता है जिसे देखकर उसकी बहन काफी डर जाती है, पर अब वो काफी घायल हो चुका था इसलिए वो वहीं मर जाता है। तभी कुछ म्यूटेंट्स उनके बार्ज के अंदर आ जाते हैं जिन्हें देखकर ये सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर जब कैट और उसके बॉयफ्रेंड की आंखें खुलती हैं तब वो देखते हैं कि एक म्यूटेंट उस छोटे लड़के का मांस खा रहा है। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। कैट का बॉयफ्रेंड किसी तरह खुद को छुड़ाता है, फिर वो चाकू से कैट का भी हाथ खोल देता है। तभी वो म्यूटेंट ऊपर देखता है जिसका चेहरा देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। तभी कैट का बॉयफ्रेंड उस पर अटैक कर देता है और उससे लड़ने लगता है। इधर वो दूसरा म्यूटेंट उस आदमी का मांस खाने लगता है जिससे वो काफी चिल्लाता है। तभी कैट का बॉयफ्रेंड एक चाकू से म्यूटेंट को स्टैप करने लगता है। तभी वो देखते हैं कि उसका खून लाल नहीं बल्कि हरा है। इधर सोफी को भी एक म्यूटेंट ने बांध रखा था और वो उसका मांस खाने वाला था। ये देखकर बैन उससे कहता है कि तुम उसे मत मारो, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। ये सुनकर वो म्यूटेंट उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है बल्कि मुझे तुम्हारा मांस चाहिए। ये कहकर वो बैन और सोफी को खाने लगता है। इधर ये सभी लड़ रहे होते हैं, यहाँ कैट का बॉयफ्रेंड उन दोनों म्यूटेंट्स को मार डालता है। वो कैट को उस कपल के पास जाने के लिए कहता है ताकि वो वहाँ से पब जाकर पुलिस को बुला सके। ये सुनकर कैट उस कपल के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड जब बैन और सोफी को बचाने जाता है तो देखता है कि उस म्यूटेंट ने उन दोनों को मार डाला है। तभी वो म्यूटेंट उसे भी पकड़ लेता है। इधर रास्ते में वो कपल कैट के साथ चलने से मना कर देते हैं क्योंकि ये सब उन्हीं लोगों की गलती की वजह से हुआ है। कैट उनसे कहती है कि हमें उस पब में जाना होगा ताकि हम वहाँ से पुलिस को बुला सकें, पर वो कपल उसकी एक नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें कैट के साथ चलना ही होगा क्योंकि उस पब में जो लेडी है उसके पास एक गन है जिससे हम अपनी जान बचा सकते हैं। तभी इन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज आती है जहाँ वो देखते हैं कि वो म्यूटेंट उनका पीछा कर रहे हैं। ये देखकर ये दोनों और डर जाते हैं और कैट के साथ उस पब में जाने के लिए निकल जाते हैं, पर तभी एक म्यूटेंट उनके सामने आ जाता है जो उस
उसके बॉयफ्रेंड का हाथ उखाड़कर उसे मार डालता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उस म्यूटेंट पर अटैक कर देती है और उससे लड़ने लगती है। तभी कैट के हाथ में उस म्यूटेंट का चाकू लग जाता है, जिससे वो उस म्यूटेंट पर अटैक कर देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वो लड़की देखती है कि अब उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है और अब यही दोनों बची हैं। ये दोनों वहां से भागने लगती हैं और तभी वो लड़की कैट को डांटने लगती है। वो उससे कहती है कि उसने अपने भाई और बॉयफ्रेंड दोनों को खो दिया और अब उसके जीने का क्या फायदा, और इन सब का जिम्मेदार वो कैट को ही बताती है क्योंकि उन्हीं लोगों ने उनसे लड़ाई की थी। ये सुनकर कैट कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम लोग ही हमारे बार्ज में आकर हमसे लड़ने आए थे। इधर उन म्यूटेंट्स ने कैट के बॉयफ्रेंड को बांध रखा था और वो उसे एक बेट की तरह यूज करने वाले थे ताकि वो लड़कियां उसे देखकर उसे बचाने वहां पर आए, जिससे वो उन्हें पकड़ सकें। कैट का बॉयफ्रेंड उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग हमसे क्या चाहते हो। इस पर वो म्यूटेंट कहता है कि हमें किसी को तड़पाकर मारने में काफी मजा आता है। फिर वो उसका मांस खाते हैं। इधर कैट और वो लड़की भी अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें उसके बॉयफ्रेंड की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कैट देखती है कि उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को बांध रखा है। ये देखकर वो लड़की कैट से कहती है कि मैं वहां जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करूंगी और तुम अपने बॉयफ्रेंड को छुड़ाकर वहां से भाग जाना, क्योंकि अब उसका सब कुछ खत्म हो गया है और वो नहीं चाहती कि उसका भी सब कुछ खत्म हो जाए। ये सुनकर कैट उसे इसके लिए थैंक्स बोलती है, जिसके बाद वो लड़की वहां जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। फिर वो लड़की अपनी चाकू से एक म्यूटेंट को मार डालती है और उस दूसरे म्यूटेंट से लड़ने लगती है। तभी मौका देखकर कैट वहां आती है और अपने बॉयफ्रेंड को छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। इधर वो म्यूटेंट उस लड़की को मार डालता है और उन दोनों के पीछे जाने लगता है। वो दोनों एक सेक में जाकर छुप जाते हैं। तभी कैट उससे सोफी के बारे में पूछती है। इस पर वो बताता है कि वो दोनों मर चुके हैं। ये सुनकर कैट को बहुत बुरा लगता है। वो कैट से कहता है कि उसका बहुत ब्लड लॉस हो रहा है, जिस वजह से वो ज्यादा आगे नहीं चल सकता, इसीलिए वो उसे अकेले ही उस पब में जाकर मदद बुलाने के लिए कहता है। इसके बाद कैट उसे वहीं छोड़कर खुद मदद बुलाने जाती है। तभी उसे रास्ते में एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो उस गाड़ी को रुकवाती है। वो उस गाड़ी में बैठे आदमी से मदद मांगने लगती है। वो उसे बताती है कि कुछ म्यूटेंट उसके पीछे पड़े हुए हैं, जिन्होंने उसकी फैमिली को मार डाला है। तभी वो म्यूटेंट उसे पकड़ने के लिए उसके पास आने लगता है, पर तभी वो आदमी उसे देख लेता है। वो तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर वहां से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है। अब कुछ दूर आगे आने पर उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। ये देखकर वो कैट से कहता है कि मैं बस 2 मिनट में इस पंक्चर को बदल दूंगा, जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। फिर जब वो पंक्चर बदलने के लिए नीचे उतरता है तो तभी कैट देखती है कि वो म्यूटेंट उसके पीछे खड़ा है। ये देखकर वो उस आदमी को आगाह करने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी वो म्यूटेंट वहां आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। ये देखकर कैट गाड़ी से निकलकर वहां से भागने लगती है। वो भाग कर उसी सेक के पास आ जाती है, जहां पर वो देखती है कि अब उसका बॉयफ्रेंड वहां पर नहीं है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाती है। तभी वो म्यूटेंट वहां पर आ जाता है। वो वहां आकर उसे ढूंढने लगता है। तभी कैट एक लकड़ी से उस पर अटैक करती है। वो उसे उस लकड़ी से कई बार मारती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद कैट जब वहां से आगे बढ़ती है तो तभी वो एक गुफा में गिर जाती है। वहां पर उसे जख्मी हालत में वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे पहले भी मिला था। वो आदमी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कैट उससे पूछती है कि आखिर ये लोग है कौन। इस पर वो आदमी बताता है कि 35 साल पहले इन लोगों को सोसाइटी से निकाल दिया गया था क्योंकि ये लोग डिफॉर्म्ड यानी कि कैनिबल्स थे। इसके बाद से ये लोग इस कैनाल में आकर रहने लगे और जो कोई भी यहाँ आता वो उसे पकड़कर उसका मांस खाते हैं। तभी कैट एक म्यूटेंट को देखती है जो कि सोफी की लाश को घसीट कर ले जा रहा था, पर वो म्यूटेंट उसकी आवाज सुन लेता है और उसे मार कर बेहोश कर देता है। फिर जब कैट की आंख खुलती है तब वो अपने सामने उसी लेडी को पाती है जो कि वही पब वाली थी। कैट पूछती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है। इस पर वो कहती है कि वो सेफ है और ऊपर आराम कर रहा है। फिर वो कहती है कि तुम काफी थक गई होगी तो क्यों ना कुछ मीट खा लो। वो उसे एक बॉल में मीट देती है, पर कैट वो मीट नहीं खाती। कैट कहती है कि तुम्हारे पास तो मीट खत्म हो गया था तो फिर ये मीट कहाँ से आया। इस पर वो कहती है कि हमारे पास एक नया पैच आया है और ये मीट जो मैंने तुम्हें दिया है ये किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारी बहन का मीट है।
है। ये सुनकर कैट शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि ये लेडी भी उनसे मिली हुई है। तभी वहाँ पर दो म्यूटेंट आते हैं जिन्हें देखकर कैट बहुत डर जाती है। वो उस लेडी को बताती है कि इन मॉन्स्टर्स ने मेरे साथियों को मार डाला है। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि ये तो मेरी फैमिली है और तुम इन्हें मॉन्स्टर मत कहो, उन्होंने जो भी किया अपना पेट भरने के लिए किया है। तभी वो म्यूटेंट उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर कैट भी उनसे लड़ने लगती है। तभी वो उस लेडी की गन से एक म्यूटेंट को शूट कर देती है जिससे वो मारा जाता है। तभी वो दूसरा म्यूटेंट उस पर अटैक कर देता है पर कैट उसे भी किसी तरह मार डालती है। फिर जब वो वहां से निकलती है तो तभी वो देखती है कि एक बूढ़े आदमी ने उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ रखा है। यहाँ ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने इन्हें ये बार्ज रेंट पर दिया था। तभी वो कैट के बॉयफ्रेंड का गला काट कर उसे जान से मार डालता है। फिर वो आदमी उससे कहता है कि मैंने ये तुम्हारे सामने इसीलिए किया ताकि तुम्हें पता चले कि अपनी फैमिली को खोना कैसा लगता है। तभी वो लेडी बाहर आती है और वो दोनों कैट को उठाकर अंदर ले जाते हैं। वो उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें ब्रेकफास्ट में खाएंगे। इसके बाद सुबह हो जाती है जहाँ पर वो आदमी अपनी बार्ज लेकर शहर की ओर निकल जाता है ताकि वो ऐसे ही लोगों को अपनी बार्ज रेंट पर दे सके और उन्हें लाकर उनका मांस खा सके। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।